हेलो एवरीवन, दिस इज रिकी ठाकुर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक हिम एग्जाम्स। ठीक है जी, आज जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, थंबनेल में आपने देखा, टॉपिक का नाम है एलॉयज मिश्र धातु। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जनरल साइंस का जो टॉपिक मिश्र धातु एलॉयज जो है, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स रहते हैं उनमें इसका एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है। और आपको पता है एलॉयज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। जैसे कि हम जितने भी यूटेंसिल्स यूज करते हैं, इनको जो उपयोग में लाया जाता है, जैसे स्टील के बर्तन हम यूज करते हैं, या मोबाइल फोन में जो है मिश्र धातुएं जो यूज होती हैं, और जितने भी हमारे जो है व्हीकल्स हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। तो जो कम्पिटेटिव एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें रहेंगी, आज हम उसे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो याद रखना एलॉय होता क्या है, मिश्र धातु क्या होती है। एन एलॉय इज अ मेटेलिक इंटीमेटली मिक्सड सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज मेटल। उनमें से एक क्या होना चाहिए, मेटल मतलब एक ऐसा पदार्थ जो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होता है, उसी को हम सिंपल भाषा में बोलें तो क्या कहते हैं, मिश्र धातु। ठीक है जी, मिश्र हो गया, धातुओं का क्या मिलना हो गया, ठीक है, मिक्सचर हो गया, मिक्स। अब जो है फर्दर आगे जो हम स्टडी करेंगे, सम इंपॉर्टेंट्स जो है हमारे एलॉयज, उसकी जो लिस्ट रहेगी और क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हमें कई बार पूछा जाता है झूठा सोना किसे कहते हैं, ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल जितने भी ज्वेलरीज होती हैं उसे झूठा सोना, नकली सोना के नाम से भी जानते हैं, या कॉइन्स के बारे में पूछ लेता है, कॉइन्स किसके बने होते हैं, किन मेटल्स के मिक्सचर से जो है वो कॉइन्स बने होते हैं, या स्टील, जैसे आपको पता होगा स्टील जो है आयरन और किसके मिक्सचर से, कार्बन के मिक्सचर से। ठीक है, तो मतलब आयरन लोहा और कार्बन के मिश्रण से जो है वो स्टील बनती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आगे जो है फर्दर लिस्ट के बारे में हम जानेंगे। ठीक सबसे पहले लिस्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कुछ एक जो हमारे मेटल्स हैं, कुछ एक धातु जो हैं, उन धातु की जो है सिंबल्स क्या है। ठीक है, जितनी भी हमारी धातु हैं, जितने भी मेटल्स हैं उनके सिंबल याद रखना, कॉपर को जो है वो क्या लिखा जाता है, सीयू, और कॉपर हिंदी में क्या बोला जाता है, जिसे तांबा। क्लियर है प्लीज। नेक्स्ट जिंक की अगर मैं बात करूं, देखो लेक्चर थोड़ा सा आपको जो है इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि अगर लिस्ट में देखो, एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई स्टील का प्रयोग जो है, स्टील जो बनती है, स्टील का प्रयोग हमें पता है, हम जो है रसोई घर में जितने भी बर्तन यूज करते हैं किचन में, उसके उसमें हम यूज करते हैं स्टील का, और भी अदर जगह पर स्टील का, जैसे स्टेनलेस स्टील का अलग प्रयोग होता है। तो मतलब उनका जो है मिक्सचर कई बार जो है नाम ना लिखते हुए उनके सिंबल लिख देता है, सिंपल भाषा में बोलूं तो उनके क्या है जी, सिंबल लिख देता है। तो हमें सिंबल पता होने चाहिए। क्लियर है प्लीज। तो कॉपर को कैसे लिखा जाता है, सीयू। जैसे आपको पता होगा मर्क्यूरी, सुना नाम, पारा, ठीक है, तो पारा को प्लीज बताएं क्या जी, कमेंट पे लिखना जल्दी से, एच जी। ठीक है, तो पारा का सिंबल क्या है, एच जी। इसी तरह से आयरन का एफ ई है ना। तो हमें कुछ एक मेटल्स के पता होने चाहिए, तो कॉपी पेन लेके प्लीज नोट डाउन कर लेना, कॉपर को सी यू, जिंक हिंदी में जिसे क्या कहा जाता है, जस्ता, उसका जो सिंबल है जेड एन, स्क्रीन पे लिखा गया है प्लीज। नेक्स्ट टिन, टिन का जो है एस एन, निकल याद रखना एन आई, लेड हिंदी में जिसे सीसा धातु कहते हैं उसका सिंबल है पी बी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का जो है वो क्या है, एल। आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन का, आयरन का क्या है, लोहे का क्या है, एफ ई। बाई मेटल, जब भी आपको बी आई वहां लिखा होगा तो बाई मेटल उसका सिंबल है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो है वो क्या है, एम जी। मैग्नीज, उसका सिंबल क्या है, एम एन। और अगर मैं बात करूं हिंदी में जिसे सुरमा और इंग्लिश में एंटीमोनी कहा जाता है, उसका सिंबल जो है वो एस बी। क्रोमियम का सिंबल जो है वो क्या रहता है, सी आर। तो एक बार जो है अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं करा है तो काइंडली स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपर सी यू, जिंक जेड एन, टिन एस एन, निकल एन आई, लेड पी बी, एल्यूमिनियम ए एल, आयरन एफ ई, बाई मेटल बी आई, मैग्नीशियम एम जी, मैग्नीज एम एन, एंटीमोनी एस बी, और आपका जो क्रोमियम है वो क्या जी, सी आर।
नेक्स्ट, अब जो हम लिस्ट जानेंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं वो तो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपको पता है पीतल के बर्तन होते थे पुराने टाइम पे, जो है एंशियंट टाइम पे जो है पीतल के बर्तन ज्यादा यूज में लाए जाते थे, जो कि आज के समय में स्टील के बर्तन ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, तो पीतल जो बनी है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं ब्रास, तो पीतल का जो है वो किसका कंपोजिशन है, किन मेटल्स का कंपोजिशन है, तो फर्दर याद रखना कॉपर प्लस जिंक, कॉपर तांबा और जिंक को हिंदी में कहते हैं जस्ता। तो आप नोट डाउन अगर कर रहे होंगे तो लिख लेना जी लिस्ट में सबसे पहले पीतल, ब्रास, ब्रास जो है कॉपर और जस्ते का मिश्रण है। ठीक है जी, कॉपर 70% जिंक 30%, और इसका जो यूज है किसमें लाया जाता है, इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है पीतल का। क्लियर है प्लीज। नेक्स्ट फर्दर अब बात करें ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जिसे आप कई बार मेडल सुनते होंगे, जैसे अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक गेम्स में आपको पता है ना तीन टाइप के मेडल्स दिए जाते हैं, गोल्ड और कौन सा सिल्वर, देन ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल मतलब कांस्य पदक होता है कि नहीं। अब वो कांस्य जो पदक है, कांस्य जो मेडल है, वो कांस्य जो ब्रॉन्ज बना होता है वो किसकी मिक्सचर है, कॉपर प्लस SN, मैंने आपको पहले ही बताया, प्लीज जल्दी से, बिल्कुल टिन। तो कॉपर और टिन का जो है वो मिश्रण है, कंपोजिशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस मिश्र धातु को कहते हैं ब्रॉन्ज, दैट इज कांसा। और इसका जो प्रयोग है याद रखना सिक्के बनाने में, घंटी बनाने में और बर्तन बनाने में काम में आता है। जी अगला जर्मन सिल्वर, देखो इनके ट्रिक्स नहीं है, कुछ एक होगा अगर मेरे पास तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो है Cu मतलब कॉपर, Zn आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया Zn जिंक और निकल, कॉपर की जो परसेंटेज है वो 60, Zn जिंक की 20 और निकल की कितनी 20। तो टोटल जो इनका मिश्रण रहता है, कंपोजिशन जो बनकर, वो क्या बनता है जी, जर्मन सिल्वर। और याद रखना नाम भले जर्मन सिल्वर है, इनमें जो है सिल्वर की जरा भी मात्रा नहीं होती है, बात समझे, सिल्वर की क्वांटिटी नहीं रहती है, भले नाम इसका क्या है जर्मन सिल्वर। और जर्मन सिल्वर का जो है यूज जो करा जाता है वो बर्तन बनाने में काम में आता है। क्लियर है। अब कुछ एक बच्चे बोलेंगे ऐसा ट्रिक से बताएं, तो एक चीज आप नोटिस करना, अभी तक हमने दो तीन जितने भी करे हैं स्टार्टिंग के एलॉयज, उनमें देखना कॉपर क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा हर जगह, कभी भी अगर आपने ऑप्शन में भी जाना हो तो देखना नीचे भी, अगर मैंने फोर्थ में अभी रोल्ड गोल्ड नहीं पढ़ाया है, लेकिन कॉपर की जो क्वांटिटी है भले कहीं ज्यादा है भले कहीं कम है, क्या कॉपर हर जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो कॉपर और जिंक का कंपोजिशन पीतल बनता है, कॉपर और जो है हमारा ऐसे आपको पता ना जी टिन, कॉपर और टिन का जो मिक्सचर है वो क्या बनाता है कांसा मतलब ब्रॉन्ज, और कॉपर जिंक निकल का जो मिक्सचर है वो जर्मन सिल्वर। क्लियर है प्लीज। तो आपको अगर क्वेश्चन बने ऐसे कि घंटी बनाने वाले मिश्र धातु, ठीक है जी, घंटी जिससे बनती है वो किसके कंपोजिशन से है, तो आपका आंसर आएगा जी कॉपर और ठीक है तांबा और टिन के मिश्रण से जो है वो घंटी बनती है, जितनी भी बेल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब फर्दर बात करते हैं फोर्थ वन जो हम रोल्ड गोल्ड, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आया हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं झूठा सोना या फिर नकली सोना। क्लियर है, अगेन ये किसकी कंपोजिशन है, किनका मिश्रण है, कॉपर और किसका एल्यूमिनियम का, कॉपर और एल्यूमिनियम जितने भी हमारे जो है चीप ऑर्नामेंट्स होते हैं, सस्ते आभूषण होते हैं, वो किसके बने होते हैं जी रोल्ड गोल्ड, किस मिश्र धातु के, रोल्ड गोल्ड। और इसी को रोल्ड गोल्ड को एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि झूठा सोना के नाम से किसे कहा जाता है, तो किस एलॉय को कहा जाता है रोल्ड गोल्ड, और उसका मिश्रण जो है किसकी कंपोजिशन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। बार बार इसलिए बोल रहा हूं आपके माइंड में चीजें बार बार रिकॉल हो, रिवाइज हो, ठीक है, ताकि चीजें याद हो जाए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने यहां पे देखना हाईलाइट करी है, मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी में ये क्वेश्चन बना हुआ है, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, तो याद रखना मूर्खों का सोना, ठीक है जी, एफ पाइराइट को कहते हैं, ठीक है, FeS2 मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, मिनरल कंसिस्टिंग ऑफ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर, जिसे जो है कई बार पाइराइट भी लिखा होता है। क्लियर प्लीज, पाइराइट, अंडरस्टूड है। तो हमारे पास मूर्खों का सोना
कई बार फॉर्मूला दिया होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, FeS2, जिसका जो है कंसिस्टिंग मिनरल कंसिस्टिंग ऑफ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर, आयरन और सल्फर के मिक्सचर से जो है जो मतलब गोल्ड बना होता है, मतलब एज अ उसे जो है मूर्खों का सोना, क्योंकि वो सोने की तरह दिखाई देता है, क्लियर है। तो रोल्ड गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10%। देखो परसेंटेज भले याद ना रखें, एग्जाम में इस तरह से जरूर पूछा जाता है कि नकली सोना या झूठा सोना किस एलॉय को कहते हैं, तो किसे कहते हैं, रोल्ड गोल्ड, क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आर्मी जीडी के एग्जाम में भी आया हुआ और एसएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ, गन मेटल, गन मेटल किसकी बनी होती है, तो कॉपर, एसएन मैंने आपको पहले बताया है जी, टिन, और जेडएन जिंक। कॉपर मतलब हिंदी में तांबा, टिन और जिंक के मिश्रण से जो धातु बनती है उसका प्रयोग हम गन मेटल में, गन में यूज करते हैं, इन मेकिंग गन्स, बैरल्स, गियर एंड बेयरिंग। जितने भी आपके बेयरिंग्स होते हैं गाड़ियों में, बाइक में जितने भी गियर्स होते हैं गाड़ियों के, वो किस मेटल से बने होते हैं, उसका जो है कॉपर, जिंक और आपका कौन सा, टिन। इन तीनों का जो है मिक्सचर, जिसे जो गन मेटल के नाम से भी जाना जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लेना, तांबा, जिंक और आपका जो टिन है, मिक्सचर जो है वो गन मेटल का है, क्लियर है प्लीज। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल में देखो हर जगह कॉपर का यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तांबे का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मिक्सचर तांबा बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब डेल्टा मेटल कॉपर, जिंक और आयरन के मिश्रण से, परसेंटेज फिर मैं बोल रहा हूं भले ना याद रखें, ये जो है इन मेकिंग ब्लेड्स ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन्स के जितने भी ब्लेड्स लगे होते हैं ना वहां पे, वो किस मेटल के बने होते हैं, डेल्टा मेटल के। और डेल्टा मेटल जो है कंपोजिशन है तांबा, जिंक और लोहा, कॉपर, जिंक और आयरन, क्लियर है प्लीज। नेक्स्ट फर्दर बात करें, इंपॉर्टेंट है मुंज मेटल, मुंज मेटल जो है स्टार्टिंग में जो ऊपर हमने करा ना, जो आपका जो ब्रॉन्ज मेटल, सॉरी ब्रॉन्ज एलॉय की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मुंज मेटल और जो ये वाला जो है, देखो वहां कॉपर और जिंक, ये भी किससे बना है जी, ये किससे बना है, कॉपर और एसएन मतलब टिन, ठीक है। तो हमारे पास मुंज मेटल जो है, मुंज मेटल कॉपर और जिंक की परसेंटेज जरूर याद रखना, 60-40, क्या रेशियो जी, 60-40। और ये जो यूज करा जाता है सिक्के बनाने में, क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में एक बार, कि सिक्के बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, उसने मेटल्स नहीं पूछे, उसने धातुएं नहीं पूछी, उसने मिश्र धातुएं पूछी, तो आपका आंसर क्या आएगा, मुंज मेटल, क्लियर है प्लीज। अगेन फर्दर हिंदी में अगर मैं बात करूं तो किस किस का मिश्रण है जी, ये तांबा और जिंक का। अब डच मेटल, डच मेटल जो है आर्टिफिशियल जितने भी आभूषण होते हैं कृत्रिम, उनका जो है उसे जो कहते हैं, उस आर्टिफिशियल आभूषण जो है जिससे बने हैं उसे डच मेटल कहते हैं, और वो किससे बना होता है, जिंक और कॉपर। अगेन फर्दर मोनल मेटल, मोनल मेटल जो है ये जो है फॉर वेस्ट कंटेनिंग कंटेनर, जितने भी कंटेनर्स होते हैं उनका बेस बनाने के लिए मोनल मेटल का यूज किया जाता है, जिसमें कॉपर और निकल का प्रयोग किया जाता है, कंपोजिशन है जी इनकी 70% और 30%। नेक्स्ट फर्दर रोज मेटल, जितने भी हमारे ऑटोमेटिक फ्यूज हैं वो रोज मेटल के बने होते हैं, जो कि बायमेटल, मैंने आपको पहले ही बताया द्विधात्वीय, बायमेटल प्लस टीबी आपको पता है, लेड जिसे सीसा कहते हैं, और एसएन टिन, इनका मिश्रण जो है वो जो स्वचालित फ्यूज बनाने में काम आते हैं, और उसका नाम जो है, उस जो आपके ऑटोमेटिक फ्यूज होते हैं वो किस मेटल के बने होते हैं, रोज मेटल के। नेक्स्ट फर्दर बात करें सोल्डर, जितना भी टांका लगाते हैं ना जी, वेल्डिंग वाले जो हैं, वेल्डिंग वाले जो है जब टांका लगाते हैं, सोल्डर करते हैं, वो जो टांका लगाते हैं उस चीज का जो है वो किसका बना होता है, तो याद रखना पीबी प्लस एसएन, लेड और हमारे पास जो है टिन का जो है मिश्रण होता है उस रॉड का, सोल्डर का, फॉर मेकिंग सोल्डरिंग, क्लियर है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे ही हैं, कुछ ज्यादा लिस्ट है नहीं है, पर आप याद रखना। अगेन जितने भी हमारे एरोप्लेन्स की जो बॉडी रहती है, हवाई जहाज की बॉडी, वो जो किस मिश्र धातु की बनी होती है, नाम याद रखना मैग्नीलियम, मैग्नीलियम किसका बना होता है, एल्यूमिनियम प्लस एमजी, आपको पता है मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम के मिश्रण से जो धातु दो धातुएं मिलकर मिश्र धातु बनती है वो किसके लिए? फॉर मेकिंग फ्रेम ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन जहाज की बॉडी बनाने में काम आते हैं। नेक्स्ट, अगला अगर हम बात करें ड्यूरेलियम, तो ये जो है अगेन यूटेंसिल बनाने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट फर्दर टाइप मेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके टाइप राइटर्स होते हैं ना प्रिंटिंग प्रेसेस में, आपके जो इंडस्ट्री प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उनमें जो टाइप राइटर्स होते हैं वो लोहे के नहीं बने होते हैं। देखो जी किसके बने होते हैं वो टाइप राइटर्स? SN प्लस PB प्लस SB, मतलब एंटीमोनी आपको पता होगा, लेड, और SN जो है टिन, टिन सीसा, और आपका जो एंटीमोनी का जो है मिश्रण, सूरमा का जो मिश्रण, उसके टाइप मेटल बने होते हैं। ये भी पेपर में बना हुआ है SSC के एग्जाम में क्वेश्चन। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो है जितने भी टाइप राइटर्स हैं, अगर आप उनके वहां पे जितने भी प्रयोग में की जाने वाली मशीनें जो होती हैं वो किस मेटल की बनी होती हैं और उसे कहते हैं टाइप मेटल, और किन मेटल्स के मिश्रण से? तो किन मेटल के मिश्रण से? टिन, एंटीमोनी और हमारा लेड। क्लियर है प्लीज? अब बात करते हैं जी बेल मेटल। बेल मेटल याद रखना, कॉपर की परसेंटेज, तांबे की परसेंटेज कितनी रहती है? 80, और हमारे पास टिन की परसेंटेज कितनी रहती है जी? 20%। इनका मिश्रण ही क्या कहलाता है जी? बेल मेटल। जितनी भी हमारी मूर्तियां बनी होती हैं या घंटियां बनी हैं वो किस मिश्रण से? किनके जी? तांबा और टिन के मिश्रण से बनी होती है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज नोट डाउन कर लेना, इनमें कोई ट्रिक नहीं है, बट इतना जरूर याद रखना कॉपर तांबा मेटल जो है, तांबा धातु मैक्सिमम जितने भी हमने अलॉयज करे हैं उनमें यूज हो रहा है। क्लियर है प्लीज? अगला बात करते हैं जी स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील याद रखना, स्टेनलेस स्टील जो है ना इसको कठोर बनाने के लिए हमेशा याद रखना क्रोमियम की मात्रा को क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है। देखो स्टील में याद रखना हमेशा आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। सिंपल स्टील की अगर बात करें तो आयरन और कार्बन से बना होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेनलेस स्टील की तो स्टेनलेस स्टील में जो है आपको आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन, देखो जी परसेंटेज इनकी है, इंपॉर्टेंट है ये। और स्टेनलेस स्टील जो है वो जंग रोधी इस्पात है, आपको पता होगा जितना भी रस्टिंग उसका जो है इस रस्ट नहीं लगता इस पे, तो आयरन जो है, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल प्लस कार्बन, निकल मिलकर जो है इनको मिलकर मिलाकर जो है, केवल निकल नहीं लिया होता है वहां पे, तीन ऑप्शन दिए होते हैं लोहा, आयरन, सेकेंड वन क्रोमियम और तीसरा कार्बन, इनका जो है मिश्रण ही केवल स्टेनलेस स्टील लिखा होता है। लेकिन आप याद रखना निकल की भी परसेंटेज रहती है, और ये जितने भी आपके सर्जिकल आपके औजार होते हैं, जितने भी बर्तन होते हैं, सर्जिकल मतलब ब्लेड्स वगैरह यूज करते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह, या जितने भी वहां पे उन्होंने मौके पर उस समय ऑपरेशन थिएटर में या कहीं भी अपने मतलब वहां पर जिस जगह पे ऑपरेशन किए जाते हैं, और भी जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका जो यूज होता है, वो जो बने होते हैं वो हमेशा याद रखना स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, जिन पे जंग नहीं लगता है, और उनकी कठोरता उसको जो है हार्डनेस बनाने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील की हार्डनेस मिलाने के लिए? CR मतलब आपको पता है क्रोमियम, इसकी हार्डनेस। और सिंपल जो स्टील हम यूटेंसिल्स के लिए यूज करते हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो आयरन प्लस कार्बन के बने होते हैं, और उसकी हार्डनेस को बनाने के लिए जो है कार्बन की मात्रा को क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जी निकल स्टील। तो निकल स्टील जो है जितनी भी बिजली की तारें बनी होती है ना जी, और जो स्टील की तारें या वाहन के पुर्जे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, वो किसके बने होते हैं? निकल स्टील के। और ये किसकी कंपोजिशन है किन मेटल्स की? Fe प्लस निकल, मतलब आयरन की परसेंटेज 95%, लोहे की और निकल की परसेंटेज 5%। निकल क्यों मिक्स करा जाता है? आयरन देखो जी ब्रेक हो जाता है अदरवाइज, अगर 100% एक ही मेटल आयरन की अगर हम यूज करें वायर्स तो वो जो है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और निकल जब उसमें जो है उसकी क्या करने के लिए? उसकी हार्डनेस, मतलब वो टूटे ना, फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। क्लियर है प्लीज? बिजली की तार या जितने भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं उनमें जो है किसके बने होते हैं? वो निकल स्टील के। किस एलॉय के? निकल स्टील। तो आई होप जितना भी मैंने अभी करवाया आपको समझ आया हो। तो विद इन 2 मिनट सारे के सारे मेटल्स और आपके एलॉयज जो है उसे डिस्कस करते हैं और इनका यूज कहां पे। क्लियर है प्लीज?
तो आपके यूटेंसिल बनाने में किसका यूज होता था पहले, आपका जो है एंशियंट टाइम में ब्रास का, पीतल किससे बने होते हैं, कॉपर जिंक, ब्रास जो है कॉपर जिंक, कॉपर और टिन उसका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका बना होता है लॉय, कॉपर और टिन का, जितने भी आपकी घंटियां जितने भी बर्तन सिक्के वो ब्रॉन्ज में ब्रॉन्ज के भी होते हैं, ठीक है, जिसे कांसा कहते हैं। जर्मन सिल्वर, सिल्वर बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। अब जो है इसका याद रखना, कॉपर जिंक और निकल ही यूटेंसिल बनाने के काम आते हैं। रोल्ड गोल्ड जिसे जूठा सोना कहते हैं, नकली सोना, और मैंने आपको अलग से बताया पाइराइट को क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड, ठीक है, जो कि आयरन और सल्फर के जो है मिनरल्स कंसिस्टिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड सल्फर, Fe(S)2 जिसका फॉर्मूला रहता है। गन मेटल, अगेन मैंने आपको बड़े अच्छे से पहले समझाया, जितने भी आपके गाड़ियों के गियर होते हैं, वायरिंग जितनी भी होती है, जितनी भी बेयरिंग और जितना भी बंदूक और वेरल, उनमें जो है गन मेटल यूज करी जाती है। आपका जो है टिन और जिंक का जो है मिश्रण जो है वो गन मेटल बनती है। डेल्टा मेटल फॉर मेकिंग ब्लेड्स ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, उनका कॉपर जिंक और आयरन का इनका मिश्रण। मुंज मेटल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है कि सिक्के बनाने में कौन से एलॉय का प्रयोग किया जाता है, तो मुंज धातु। नेक्स्ट फर्दर डच मेटल, जितने भी आर्टिफिशियल हमारे जितने ऑर्नामेंट्स होते हैं, जितने आभूषण, वो डच मेटल्स के बने होते हैं, डच धातु के, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है जी, कॉपर की मात्रा 80% और जिंक कितना 20%। मोनाल मेटल इसी तरह से, रोज मेटल इंपॉर्टेंट है, अगेन सोल्डर टांका जो लगाती है जिसमें लेड और जिंक की, टिन की मात्रा जो है 50-50% रहती है। इसी तरह से मैग्नीलियम, ड्यूरेनियम, टाइप धातु, टाइप मेटल, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। बेल मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगेन स्टेनलेस स्टील और निकल स्टील, इसे हमने रिसेंटली डिस्कस करा, क्लियर है प्लीज। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एलॉयज जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, जिनके क्वेश्चंस। अब जो है कुछ एक मेटल और एलॉयज के मैंने लगभग 8-10 क्वेश्चंस लिए हैं, आई होप आप जुड़े रहेंगे, आप सुनेंगे इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक है। ग्लास इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ, ग्लास डैश के मिश्रण से बना होता है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है सैंड और सिलिकेट। ग्लास किसका बना होता है जी, सैंड और सिलिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ अगर हम बढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फिल्टर इन रबर टायर, रबर टायर में फिल्टर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन डी कार्बन ब्लैक, जिसमें कि ग्रेफाइट, कोयला, कोक और कार्बन ब्लैक लिखा हुआ था ऑप्शंस में। तो आप याद रखना जितने भी हमारे जो हैं टायर्स हैं उनके फिल्टर में क्या यूज किया जाता है, कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट फर्दर, विच एलॉय कंटेन्स निकल, निकल कौन सा एलॉय, देखो कितना घुमा के क्वेश्चन आ गया, सिंपल नहीं पूछा है कि भाई स्टेनलेस स्टील किससे बनी होती है, या आपको सिंपल बोल दिया हो कि मुंज मेटल जो है किसके यूज में आता है, आपको क्वेश्चन क्या आया, कौन सा एलॉय कंटेन करता है निकल, वहां पे ऑप्शन ब्रास, ब्रॉन्ज, इनवार और सोल्डर, तो याद रखना इनवार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में मौजूद नहीं है, तो स्टेनलेस स्टील अभी डिस्कस करा हमने, तो ऑप्शन बी टंगस्टन, आपको पता है ना जी टंगस्टन नहीं है, जिसमें कि Fe, क्रोमियम और निकल इनका मिश्रण रहता है, ठीक है, और कार्बन की भी मात्रा कुछ परसेंट हल्की सी माइनर सी रहती है, क्लियर है। नेल पॉलिश रिमूव जो करते हैं उसमें डैश होता है, तो नेल पॉलिश जो है जितने भी गर्ल्स या जो भी लेडीज नेल पॉलिश यूज करते हैं और बाद में जो है रिमूव करते हैं, तो कौन उसमें जो है क्या मिक्स होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या है जी उसका फॉर्मूला, एसिटिक एसिड, क्लियर है प्लीज। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन नंबर 6, मैंने बोला ना मेटल और एलॉयज के मिक्स क्वेश्चंस हैं, सबसे भारी धातु हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी धातु, तो हैवीएस्ट मेटल याद रखना लोहा, आयरन, पारा, मर्क्यूरी, निकल, ऑस्मियम, तो ऑप्शन सबसे भारी धातु आपकी जो है हैवीएस्ट मेटल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हमारा जो है ऑस्मियम, ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु जो है हमारे पास क्या आएगा जी, सबसे हल्की धातु ऑप्शन डी लिथियम,
अपने पीरियोडिक टेबल पता होगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। बेल धातु, बेल मेटल बनाने के लिए किन दो मेटल्स का यूज करा जाता है? तो याद रखना टिन और कॉपर, टिन और कॉपर, इनका मिश्रण ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th, निम्न में से किस धातु को बड़े शहरों की हवा को बड़ी संख्या में वाहनों से प्रदूषित करने के लिए जाना जाता है? तो याद रखना लेड, ठीक है जी, लेड। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन नंबर 10th, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाने के लिए किया गया था? तो हमारा आंसर आएगा कॉपर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो किसकी बनी है? कॉपर। और आपको पता है जी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में? यूएसए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है ताकि समुद्र जल से वो गले ना, नहीं गलती है? तो किससे? टाइटेनियम। किससे जी? टाइटेनियम। कौन सी मेटल से? टाइटेनियम। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, देखो ऊपर आपको आया था ना वहां टंगस्टन तो हो ही नहीं सकता था, तो वहां पे यहाँ पे देखो तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनका फिलामेंट किससे बना होता है? जी टंगस्टन से, टंगस्टन। नेक्स्ट फर्दर, ये थे जितने भी हमारे क्वेश्चंस एलॉय और हमारे मेटल से रिगार्डिंग। आई होप जितना भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया आपको सब चीजें समझ आई होंगी, ठीक है जी। फर्दर अगला जो टॉपिक जनरल साइंस का रहेगा, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे काइंडली शेयर जरूर करना और लाइक का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।